नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है अपना एमपी का। शुरुआत कर रहे हैं सागर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां एक हादसा हुआ है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। अज्ञात गाड़ी ने यहां बाइक को टक्कर मार दी। शादी से लौट रहे थे बाइक सवार। राहतगढ़ थाना क्षेत्र की ये घटना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सागर से, जहां एक एक्सीडेंट हुआ और इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। अज्ञात गाड़ी जिसने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार शादी से लौट रहे थे। राहतगढ़ थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है, जहां 3 लोगों की मौत हो गई। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सागर से। राहतगढ़ थाना क्षेत्र में यह एक्सीडेंट हुआ और बाइक की तस्वीर जिस पर ये लोग सवार थे, जो इस हादसे का शिकार बने हैं। अज्ञात गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3 लोगों की जान चली गई। अज्ञात गाड़ी ने इस बाइक को टक्कर मारी थी। बाइक सवार शादी के एक कार्यक्रम को अटेंड करने के बाद लौट रहे थे और जहां इस हादसे का शिकार बने। पंकज प्रजापति हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। पंकज, क्या अब तक साफ हो पाया है वो कौन सी गाड़ी थी, क्या नंबर प्लेट था उसका? जी बताना चाहूंगा बिल्कुल कि अभी जिस वाहन से भी इन युवकों का हादसा हुआ है, वो जो वाहन है वो भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया और ना ही अभी उसकी पहचान हो पाई है कि किस गाड़ी से इन युवकों का जो है दुर्घटना हुई है। इस पूरे मामले में टीआई का कहना है कि वो अभी कार्रवाई में लगे हुए हैं और जल्दी उस वाहन को पकड़ लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। शादी से लौट रहे थे बाइक सवार, अज्ञात गाड़ी ने बाइक को टक्कर मारी है। जल्द ही जिस गाड़ी ने टक्कर मारी है उसका पता पुलिस कर लेगी, ये दावा पुलिस की ओर से किया गया है। जिस तरह से पंकज हमारे सहयोगी इस बात की जानकारी दे रहे थे, वहीं प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी और इंतजार करना पड़ेगा। राज्यपाल मंगू भाई 19 दिसंबर तक प्रदेश से बाहर हैं। मंत्रिमंडल का गठन उसके बाद ही होने के आसार हैं। दिल्ली और भोपाल में नामों को लेकर वरिष्ठ नेताओं के बीच चर्चा का दौर चल रहा है। नाम फाइनल करने के लिए दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही मंत्रिमंडल का गठन होगा। लिस्ट में सीनियर और नए चेहरे दोनों को ही मौका मिल सकता है। तो हालांकि जो बात कही जा रही थी कि जल्द ही एकाध दिन के अंदर ही मंत्रिमंडल विस्तार के लिए नाम सामने आ जाएंगे, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि राज्यपाल 19 तारीख तक आउट ऑफ स्टेट है, राज्य से बाहर हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। दिल्ली से हरी झंडी जैसे ही मिलेगी वैसे ही मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। लिस्ट में सीनियर और नए चेहरे दोनों को ही मौका मिल सकता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आदेश पर प्रदेश भर में लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इस बीच ग्वालियर के सिरसौद गांव से एक तस्वीर सामने आई, जिसमें आप देख सकते हैं कि धर्मगुरुओं ने लाउडस्पीकर खुद हटवाया। एसडीओपी संतोष पटेल के समझाने पर गांव वालों ने खुद ही वहां से लाउडस्पीकर उतार दिए। वहीं लोगों ने मुख्यमंत्री के आदेश का स्वागत किया। प्रशासन ने इस काम के लिए सभी धर्मगुरुओं का सम्मान भी किया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। ग्वालियर में आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर पहले प्रशासन ने धर्म गुरुओं से बात की, उन्हें समझाया, जिसके बाद धर्म गुरुओं ने, चाहे वो मस्जिद हो मंदिर हो, वहां से सभी ने लाउडस्पीकर को नीचे उतार दिया। तो सिरसौद गांव में अनोखी मिसाल देखने को मिली, जहां धर्म गुरुओं ने खुद ही लाउडस्पीकर उतरवा दिए। ऐसा करने पर प्रशासन की ओर से इन धर्मगुरुओं का सम्मान भी किया गया है। तो सिरसौद में अलग अलग धर्मों के गुरुओं ने यह एक अनोखी मिसाल पेश की है, जहां पर लोगों को समझाया और फिर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर नीचे उतार दिए गए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर धर्म गुरुओं का सम्मान किया जा रहा है, वो आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ये सम्मान इसलिए हो रहा है कि इन धर्म गुरुओं ने अपने अपने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को उतरवा दिया।
अपनी तरफ से ही कलाम है जो है कहकर के अधिकारियों ने बताया, तो हमने अपनी तरफ से अपना अधिकार लिया ये और हमने उतरवाया इसको। अच्छा निर्णय की, अच्छा निर्णय के लिया है, शासन का सम्मान करते हैं साहब। तो प्रदेश में कई जगहों पर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई की गई। आपके टीवी स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगी उज्जैन और आगर मालवा की तस्वीरें। आप देख पा रहे होंगे कि प्रशासन धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटा रहा है, तो कई जगहों पर खुद ही धर्मगुरु अपने अपने धार्मिक स्थल से ये उतरवा रहे हैं और कहीं पर प्रशासन की टीम को आगे आना पड़ा और लोगों को समझाना पड़ा, जिसके बाद यहाँ पर ये लाउडस्पीकर हटा दिए गए। तो इंदौर के आगर मालवा की इंदौर में तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, तो उज्जैन और आगर मालवा की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दोनों ही जगहों से आपके आगे टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें जो ये बता रही किस तरीके से सीएम के फैसले के बाद, आदेश के बाद यहां प्रशासन एक्शन मोड में है और सभी अलग अलग धार्मिक स्थलों पर जो संचालक हैं वो खुद भी इस बात का ख्याल कर रहे हैं कि लाउडस्पीकर हटा दिए जाए। तो इंदौर में भी सीएम के आदेश के बाद धार्मिक स्थलों पर एक्शन की तैयारी है। महापौर ने अधिकारियों को धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने के निर्देश दिए। महापौर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीएम के निर्देशों के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के ही अनुसार लाउडस्पीकर पर कार्रवाई की जाएगी। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम और मध्य प्रदेश सरकार के कल के दिशा निर्देशों के अनुरूप बिना अनुमति के तय सीमा के बाहर यदि कोई लाउडस्पीकर का उपयोग करता है तो उनके खिलाफ चेतावनी देकर और दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी नगर पालिकाओं को, जिला प्रशासन को ये निर्देश दिए हैं, हम भी उनका कठोरता से पालन करेंगे। अब खबर इंदौर से, जहां सीएम के आदेश के बाद खुले में मांस बेचने पर प्रशासन सख्त हो गया है। महापौर ने निगम अमले को कार्रवाई के निर्देश दिए। कार्रवाई के लिए निगम का दस्ता बाजारों में पहुंचा। 17 दुकानों का चालान काटा गया। अब तक शहर में 100 दुकानों पर कार्रवाई की गई है। 40 से ज्यादा दुकानों को फुटपाथ से हटाया गया है। तो अब तक 100 दुकानों पर कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आपको यहां बता रहे हैं, जहां खुले में मास्क की बिक्री पर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। 40 दुकानों को हटाया गया है। निगम का दस्ता बाजार पहुंच रहा है, ऐसी दुकानों को हटा रहा है। 17 दुकानों का चालान भी काटा गया है। कुल मिलाकर अगर शहर भर की बात की जाए तो 100 दुकानों पर एक्शन लिया गया। 40 से ज्यादा दुकानें थी जिन्हें फुटपाथ से हटाया गया। सीएम के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश में खुले में मांस मटन चिकन बेचने वालों के खिलाफ सख्ती नजर आ रही है। फिलहाल इस वक्त मैं इंदौर के मोम्बे बाजार में मौजूद हूं, जहां पर नगर निगम का अमला भी मौजूद है और चालानी कार्रवाई की जा रही है जो लोग खुले में मांस मटन मछली बेच रहे हैं फिलहाल। लेकिन कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि सख्त निर्देश के बाद में दुकान के बाहर लोगों ने अब कॉटन लगा लिया है, यानी अब इसे ढका भी जा रहा है और लोग ढक कर बेच रहे हैं, लेकिन जो कानून का यानी जो निर्देश है उसका उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। बाबूजी, जो मुख्यमंत्री का फैसला है कि खुले में मांस मटन मछली नहीं बेचा जाएगा, इस फैसले को कैसे देखते हैं? नहीं, हम अच्छा देखते हैं। अच्छा, स्वागत करते हैं इस फैसले का? बिल्कुल स्वागत करते। तो लगता है कि अंदर ढकी बेचना चाहिए? बेचना चाहिए। क्या कहेंगे आप? सही बात है, ये तो जो है ढक के बेचो तो और अच्छा फायदा रहेगा इंसानों का। हाँ। ये लोग भाई ये गाड़ी घोड़े ये लगाते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं, ये सब अलग बात अलग है। अच्छा, सीएम के फैसले का स्वागत करते हैं आप? बेफिक्र रखो, करो। नगर निगम के अधिकारी भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। कितने चालानी कार्रवाई की गई यहाँ पर? 17 से 18 स्पॉट फाइन किए गए हैं यहाँ पर, और सभी दुकानदारों को यहाँ पर अपनों ने समझाइश दी गई है कि कांच जाली पर्दे वगैरह व्यवस्थित लगा के व्यापार करें अपना, किसी प्रकार की किसी नागरिकों को असुविधा नहीं रहे, व्यापार करें लेकिन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना करें। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य के साथ बिल्कुल खिलवाड़ ना करें, और सभी धार्मिक प्रकार के व्यक्ति रहते होंगे तो उनकी धार्मिक भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुँचे। जो स्पॉट फाइन है वो कितने रुपए का है? स्पॉट फाइन अभी इनको अपने कांच जाली पर्दे के लिए 500 रुपए का स्पॉट फाइन किए गए इनपे। जी, और समझाइश भी दी जा रही है? समझाइश भी दी जा रही है इनको कि सब कांच जाली पर्दे जिनके यहाँ नहीं है वो लगा लें, उसको व्यवस्थित काले कांच वगैरह लगा लें। इंदौर के बाजारों की बात करें तो अलग अलग बाजारों में लगभग 100 के लगभग
दुकानों पर चालानी कार्रवाई हो चुकी है और जो फुटपाथ पर यानी सड़क के किनारे जो लोग मछली मांस मटन चिकन बेचते हैं करीब 40 से ज्यादा दुकानों को हटाई भी जा चुका है। तो यानी सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद कहीं ना कहीं बाजारों में सख्ती नजर भी आ रही है और जो लोग हैं जो व्यवसायी हैं इस फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मिथिलेश गुप्ता, News18 इंदौर। खबर खरगोन से जहां सीएम के आदेश के बाद प्रशासन एक्शन में है। खुले में मांस बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जा रही है। खसखसवाड़ी और काला देवल रोड से बड़ी मात्रा में मांस जब्त किया गया। साथ ही नगर पालिका ने स्लॉटर हाउस से ही मांस और मछली बेचने के आदेश दिए हैं। नगर पालिका, खाद्य विभाग, औषधि विभाग और पुलिस ने यह कार्रवाई की। खाद्य और औषधि विभाग की यह कार्रवाई हुई है। सीएम के आदेश के बाद एक्शन में प्रशासन नजर आया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद पूरी तरीके से प्रशासन एक्शन मोड पे, विशेष रूप से जो अवैध रूप से मांस और मछली की दुकान लगा रखे उन पर लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ अधिकारी मौजूद हैं, किस प्रकार कार्रवाई चल रही है? हम लोग जांच वगैरह कर रहे हैं मांस मटन की दुकानों का और जहाँ पे कोई इस तरह से लाइसेंस वगैरह नहीं है उनको विधि अनुरूप हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी कहाँ कहाँ कार्रवाई की गई? अभी हमने दो जगह तलाई मार्ग में कार्रवाई की, यहाँ मटन मार्केट में भी आई, यहाँ पे कार्रवाई चल रही है। लगातार कार्रवाई चल रही है, किस कब तक चलेगी ये कार्रवाई? ये तो निरंतर जारी रहेगी, निरंतर जारी रहेगी। तो अभी क्या 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 कर रहे हैं आप लोग? अभी जब्ती भी कर रहे हैं जिनके पास लाइसेंस है, उनकी दुकान खुले में उनकी जब्ती कर रहे हैं। अच्छा, मांस की? अच्छा, नहीं तो इनको क्या निर्देश दे रहे हैं? जैसे स्लॉटर हाउस की व्यवस्था है क्या? हाँ है, स्लॉटर हाउस की व्यवस्था है और इनको विधिवत NOC लेके लाइसेंस मनवाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये प्रशासन के द्वारा लगातार जो है जब्ती की कार्रवाई भी की जा रही, पंचनाम भी बनाया जा रहा है और समझाइश भी दी जा रही है कि जो स्लॉटर हाउस है वहाँ पर वो अपनी दुकान लगाए, खुले में मांस ना बेचे। आशुतोष पुरोहित, News18 खरगोन। वहीं भोपाल में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पुराने शहर के मीट दुकानदारों को जागरूक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने यह पहल की। मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि इस इलाके में साफ सफाई रहेगी, इस आदेश का पूरी तरह से पालन होना चाहिए, यह आदेश सिर्फ खाना पूर्ति ना रहे। साथ ही उनकी मांग है कि आदेश के नाम पर लोगों को परेशान ना किया जाए। प्रदेश में नई सरकार के आदेश के बाद अब मुस्लिम समुदाय के लोग भी लोगों के बीच जा रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं कि जो मांस विक्रय है वो खुले में ना हो। ऐसे ही कुछ युवा सामने आए हैं जो जागरूक करने निकले। सर, किस तरह से जागरूकता फैला रहे हैं, नई सरकार का जो आदेश आया और किस तरह से लाभकारी रहेगा? हम लोग अपने तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश को लोगों तक पहुंचा के उसमें ये समझाना चाह रहे हैं कि साफ सफाई हमारे लिए भी बेहतर है, हमारे प्रदेश के लिए भी बेहतर है, दूसरे जो समाज के लोग हैं उनको भी उसमें कोई घृणा नहीं होगी। सब सामान्य रूप से चलें, व्यवसाय अपना करें लेकिन एक दायरे में। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि आदेश को एक धर्म विशेष से जोड़कर देख रहे हैं, ये छोटी मानसिकता के लोग हैं। अगर धर्म विशेष की बात करें तो मुस्लिम धर्म में कभी कहा नहीं गया किसी दूसरे को परेशान करना। ये वो लोग हैं जो धर्म को अपने तौर पे बताते हैं। अगर कोई बयान आता है, पहली सरकार ऐसी है जो 20 साल से सीधे सीधे काम करती हुई आ रही है, उस पर हम टिप्पणी करें तो हमें अपने मानसिक इलाज को कराना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं सर, किस तरह से आदेश को देखते हैं आप लोग जागरूक कराने निकले? साहब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आदेश है, बहुत अच्छी बात है। हम मानेंगे कि साफ सफाई रहे, दुकानें कंडम बने, बेहतरीन मॉडल बने, हमारे महलों में सफाई रहे, हमारे महलों में पुराना शहर भोपाल में गंगा जमुना तहजीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन सब रहते हैं तो सबको निकलने में आसानी हो। और अच्छी बात है, अच्छा आदेश है हमारे सीएम साहब का, अच्छी सोच लेके आए, इसके ऊपर हम उनका साथ देंगे सब मिलके। इस पे मुस्तकिल अमल होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए ये जुमा 8 दिन के लिए नहीं है, मतलब ये मुस्तकिल होना चाहिए, पूरे भारतवर्ष के अंदर होना चाहिए। दूसरे लोगों का धंधा चालू नहीं हो जाए, दुकानदारों को परेशान नहीं करें घड़ी घड़ी आके, इसका भी ध्यान रखें। तो बिल्कुल, ये देखिए तमाम जो लोग हैं जो जागरूकता करने निकले हुए उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये आदि। और सीधे आपको ले चलते हैं भोपाल के MVM कॉलेज जहां पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। भोपाल के MVM कॉलेज में आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। MVM कॉलेज का हायर एजुकेशन पर मुख्यमंत्री का विशेष फोकस है और इसी के मद्देनजर यहां पर वो पहुंचे हैं MVM कॉलेज। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भोपाल से, सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जब MVM कॉलेज पहुंचे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इससे पहले की सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे और अब प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव। तो ऐसे में उनका ये कहना है कि हायर एजुकेशन पर उनकी सरकार का फोकस रहेगा।
और इसी के मद्देनजर यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं MVM कॉलेज। यहाँ कॉलेज के स्टाफ ने उनका अभिनंदन भी किया। सभी संसाधन के साथ बच्चों की पढ़ाई हो, उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो, और कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे अपने अभी जो कई कारणों से हमारे अंदर की कई कठिनाइयों के कारण से महाविद्यालय के अंदर खेल के मैदान, ऑडिटोरियम, बाकी संसाधन, अच्छा नई शिक्षा नीति के बारे में पूछे जरा अपन क्या क्या कौन कौन से कोर्स कैसे कैसे पढ़ सकते हैं, किसको किसको मालूम बताएगा कोई? और हमारा बेसिकली साइंस कॉलेज है तो एक ही संकाय है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ आर्ट्स के विषय या कॉमर्स के शिक्षक नहीं है, लेकिन नई शिक्षा नीति में ये कहा जाता है जो कि उसका एक मुख्य बिंदु है कि सभी संकायों का समावेश होना चाहिए। तो इस वजह से जैसे फाउंडेशन कोर्स जो कि मेरा विभाग है जिसका अंग्रेजी एक भाग है, उसमें सर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, योग और ध्यान। सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जो आप गुरु दायित्व पे रहे वो मेरे को दायित्व इस बार दिल्ली राष्ट्रीय अधिवेशन में मिला है। मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है विद्यार्थियों के लिए, कहीं ना कहीं हम अगर स्कूली शिक्षा देखें तो जो हमारे क्रांतिकारी थे, जो हमारे ऐसे थे जिनका इतिहास कहीं ना कहीं भारत में छुपा हुआ था, जिनका इतिहास सामने नहीं आ रहा था, मोदी जी के और आपके नेतृत्व में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसके माध्यम से ऐसे महापुरुषों का भी इतिहास अब किताबों में आएगा जो हमसे छुपा हुआ था, जैसे कहा जाता है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए।